वही जो दुख भरे मौसम की वीरानी में सीनों पर धनक लम्हों की खुशबू से महकता हाथ रखता है, दिलों को जोड़ता है और फिर उनमें मोहब्बत नाम की सौगात रखता है। सफर में रास्ते गुम हो, सफर में रास्ते गुम हो, रिदाए गुम रही कितनी ही मैली हो, गमों की धूप फैली हो, उसे कहीं कोई जिस हाल में और जिस वक्त आवाज देता है वो सुनता है। बहुत ही मेहरबान है, रहम करता है, वही सच है। हमें सच बोलने का हुक्म देता है। सो उसको याद करते हैं, उसी के नाम से आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम और अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। सामने ग्राम एफएम 100 पाकिस्तान इस्लामाबाद से आपका मेजबान सलमान कैसर। खाब तरीचे में आप तमाम समातों को खुश आमदीद कहूंगा। कर सकता हूं कि आप लोग आप सब खुदाए बुजुर्ग बरतर के फसलो करम से बिल्कुल खैरियत से होंगे। रब उल इज्जत आपको हमेशा खैरियत से रखे, हमेशा अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। आप जहां भी रहें हंसते मुस्कुराते रहें, शादोआबाद रहें। तो साहब खाब तरीचे प्रोग्राम है और साथ है मेरा और आपका। कुछ खूबसूरत सी शायरी के साथ, कुछ नज्में, कुछ गजलें, कुछ आशार। नाजुक दिल दे लोग साडा दिल नायार दुखाया कर, ना झूठे कसमा खाया करे।
जी।
सब चुगनू की तरह जलती बुझती नजर आने वाली रोशनी में क्या असरार है। रात के जंदा में गुम हो जाने वाले सूरज और फिर उसके पर्दे से नमूदार होने वाली सुबह का राज कौन जाने। रात के इस समय जब अंधेरे की चादर ओढ़े खामोशियां राज करती हैं, नींद की वादियों से दूर कुछ जागती आंखें धनक रंग ख्वाबों का ताना बाना बुनती हैं। तसव्वुरे जाना किए हुए मुस्कुराती हैं और चांद को अपनी गहरी झीलों की तय में उतरकर दावत नजारा देती हुई महसूस होती हैं। सितारों को अपने अबरू के इशारों पर झुका देने का आज़म लिए हुए सोच की जमीनों पर उतरने वाले अल्फाज को जज्बात के पैरहन से ढांप कर हवाओं के सपोर्ट कर देती हैं। इस आस पर कि शायद ये हवाएं उसके महबूब के आंगन में खिले मोतिये की कलियों से हम कलाम होकर खुशबू के कासिद के हाथ पैगाम वफा उस तक पहुंचा दे। इस उम्मीद पर कि शायद ये हवाएं उसके कमरे की अधखुली खिड़की को ढांपती हुई बोगनवेलिया की बेल पर लगे खूबसूरत गुलाबी और सफेद फूलों को कुछ इस तरह गुदगुदा दें कि वो हंसते हैं। और इस तबस्सुम की रोशनी से ख्वाबीदा जज्बात बेदार हो जाए। दिल के आसेब ज़दा घरों में जमी बेहिसी की बर्फ पिघलने लगे। एक अरसे से बंद दरीचे खुल जाए और पतझड़ के जर्द मौसम में खुशियों ख्वाबों मोहब्बतों और तमन्नाओं के फूल खिल जाएं, जिंदगी इनमें नए सिरे से वारित हो सके। सब जो यकीन की दुनिया में जाग रहे हैं वो यकीनन इन हवाओं की सरगोशियां सुन रहे होंगे और ये भी जान गए होंगे कि रात के इस पहर कायनात के असरार खुलते हैं, दिलों के भेद आश्कार होते हैं, मगर सिर्फ उन पर जो देखने वाली आंख और सोचने वाली नजर रखते हैं। जबकि 12:22
सब रहे गुरु के संग मौला संग जीत गई तो पिया मारे जो मैं हारी पी के संग चाक तिलक सब छीन लिए मोसे चाक तिलक सब छीन
तो जनाब खातरीचे प्रोग्राम आप सुन रहे हैं एफएम 100 पाकिस्तान इस्लामाबाद से। और जनाब इस प्रोग्राम में मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान सलमान कैसर। 3 बजे तक इस प्रोग्राम में साथ रहा करता है मेरा और आपका। 1 बजे के बाद आपसे मुलाकात भी होती है और कुछ इंतखाब आपसे आपका भी सुना करते हैं। आज भी देखें यकीनन 1 बजे के बाद आपसे मुलाकात होगी और कुछ इंतखाब आपसे आपका सुनेंगे। इसके अलावा अगर कोई इंतखाब आप अपना अपनी पसंद के कुछ आशार मुझ तक भेजना चाहें तो वो आप बजरिया व्हाट्सएप मुझ तक भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर 03-06-929-3636 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। कोई भी खूबसूरत सी बात करना चाहें अपना इंतखाब भेजना चाहें तो जरूर जनाब वक्त के साथ साथ आपका भेजा हुआ इंतखाब प्रोग्राम में शामिल करते रहेंगे। और ये हमारी मुसाफत इसी तरह 3 बजे तक जारी रहेगी और यकीनन आप लोग इस सफर में मेरे साथ शरीक रहेंगे, मैं उम्मीद कर सकता हूं। आज जनवरी की 18 तारीख हो चली है सन 2022। खूबसूरत सी रात है, आसमान पे चांद है अपने खूबसूरत से हाले के साथ, अपनी पूरी आबोताब के साथ मौजूद है। बादलों के संग उसकी आंख मिचोली भी जारी है। साहब चांद जब बादल के किसी कोने से बाहर झांकता है तो सारे मंजर रोशन हो जाते हैं। माहो साहब के मिलने बिछड़ने का सहर जो है वो इंसान को अपने आप से भी बेखबर कर देता है। ऐसे लगता है जैसे आदमी अपने ही किसी ज्ञान में है या फिर कोई उसके ध्यान में है।
फिर उस समय ख्वाब तितलियां बनकर जिंदगी के वीरान गुलिस्तां में रक्स करती हैं, रंग बिखेरती हैं, और सब ख्वाब ही में सही किसी जाने वाले की दीद का सामान करती हैं। कभी खुशबू बन के हवा के संग उड़ते हैं, तो कभी दीवानावार हर दरवाजा हर रोजन बजाते हैं कि जाने कहां इनकी ताबीरें महवे ख्वाब हैं। किस तरह कटती हैं रातें, किस तरह कटती हैं रातें जुगनुओं से पूछना, तुम भी कुछ दिन जागना, तेरा शबों से पूछना। किस तरह कटती हैं रातें जुगनुओं से पूछना, तुम भी कुछ दिन जागना, तेरा शबों से पूछना। और तितलियां किसकी लगन में अपने रंगों से गईं, तितलियां किसकी लगन में अपने रंगों से गईं, तुम कभी अपने बदन की खुशबुओं से पूछना। घर नारी गवारी चाहे जो कहे, घर नारी गवारी चाहे जो कहे, मैंने जाम से नैना लगाई रे, मैंने जाम से नैना लगाई रे, घर नारी गवारी चाहे जो कहे, घर नारी गवारी चाहे जो कहे। बहाई रे, मैंने जाम से नैना
पहुंच से दूर चमकता सराब यानी तू। पहुंच से दूर चमकता सराब यानी तू। मुझे दिखाया गया एक ख्वाब यानी तू। मैं जानता हूं बबूल और गुलाब के माने, मैं जानता हूं बबूल और गुलाब के माने। बबूल यानी जमाना, गुलाब यानी तू। जमालियात को पढ़ने का शौक था मुझको, अता हुआ मुकम्मल निसाब यानी तू। कहां ये जर्रा तारीख बख्त यानी मैं, कहां वो नूर भरा माहताब यानी तू। और हर एक गजल को समझने का वक्त है न दिमाग, हर एक गजल को समझने का वक्त है न दिमाग। मुझे बहुत है फकत इंतखाब यानी तू। बहुत तवील सही दास्तान दिल लेकिन, बहुत तवील सही दास्तान दिल लेकिन, बस एक शख्स है लुबे लुबाब यानी तू। कभी कभी नजर आता है दश्ते हिजरा में, कभी कभी नजर आता है दश्ते हिजरा में। जुनून की प्यास बढ़ाता सराब यानी तू। और उजाड़ गुलशन को बड़ी दुआओं के बाद हुआ नसीब गुले बारियाब यानी तू। और कौन करता है तेरे बाद तेरे जैसा सुखन, कौन करता है तेरे बाद तेरे जैसा सुखन। हम तेरे बाद किसी से भी कहां बोलते हैं, कौन करता है तेरे बाद तेरे जैसा सुखन। हम तेरे बाद किसी से भी कहां बोलते हैं, क्या गलत करते हैं हम फरते अकीदत से कभी। तेरी आंखों को अगर सारा जहां बोलते हैं, तेरी आंखों को अगर सारा जहां बोलते हैं। मेरी नजर ढूंढे तुझे, तू नहीं जो पास मेरे। Oh,
सब मोहब्बत यूं भी होती है, मोहब्बत यूं भी होती है, जुदा रास्तों पे चल के भी दुआओं के तसलसल से कई खुश रंग वफाओं के दिलों में बीज बोती है। मोहब्बत यूं भी होती है, न वसले यार के किस्से न शवे हिजर की बातें, न रस्तों में जलाए दीप न ही कोई मदा रातें, न वसले यार के किस्से न शबे हिजर की बातें, न रस्तों में जलाए दी न ही कोई मदार आते, फकत एहसास के कुछ तार दिलों में जो पिरोती है, मोहब्बत यूं भी होती है। किसी को रात दिन तकना न करना जुस्तजू कोई, किसी को रात दिन तकना न करना जुस्तजू कोई, न कोई आरजू रखना किसी के लम्स की चाहत न पा लेने की ही राहत, मगर फिर भी जो हर लम्हा हंसी उल्फत के रंगों से सदा दामन भिगोती है, मोहब्बत यूं भी होती है।
तो साहब खातरी जी प्रोग्राम आप सुन रहे हैं FM 100 पाकिस्तान इस्लामाबाद से, और मुझे कहते हैं सलमान आपका कुछ इंतखाब प्रोग्राम में शामिल करना चाहूंगा जो आपने मुझे व्हाट्सएप पर भेजा। हमारा व्हाट्सएप नंबर 03069293636 है, और आप भी कोई इंतखाब अगर भेजना चाहें तो आप मुझे व्हाट्सएप के थ्रू अपना इंतखाब भेज सकते हैं। जवाद सत्ती हमारे साथ अलीपुर से हैं जनाब, और जवाद लिखते हैं कि अभी जिद न कर दिले बेखबर, अभी जिद न कर दिले बेखबर के पसे हजूम में सितम दरा, अभी कौन तुझसे वफा करे, अभी जिद न कर दिले बेखबर के पसे हजू में सितम गरा, अभी कौन तुझसे वफा करे, अभी किसको फुर्सतें इस कदर कि समेट कर तेरी किर्चियां तेरे हक में खुद से दुआ करे, अभी जिद ना कर। ये जवाद सती अलीपुर से, उन्होंने मोहसिन नकवी की नज्म का एक नज्म से इक्तबास भेजा छोटा सा। मोहसिन नकवी जो अभी 2-3 दिन पहले तारीख गुजरी यानी 15 जनवरी, वो उनकी तारीख वफात का दिन था, तो इस हवाले से यकीनन मोहसिन नकवी का कुछ कलाम प्रोग्राम में शामिल करते रहेंगे। इसके अलावा जनाब नाम लिखा कीजिए आप लोग अपना, अच्छा ये हैं, और नाम नहीं लिखा आपने, शेर भेजा है कि कभी यक बा यक तवज्जो, कभी दफ़तन तगाफुल, कभी यक बा यक तवज्जो, कभी दफ़तन तगाफुल, मुझे आजमा रहा है कोई रुख बदल बदल के, मंडी भाव दिन से कामरान सलीम हमारे साथ हैं, और कामरान ने भेजा है कि चांद के साथ कई दर्द पुराने निकले, कितने गमखार थे जो तेरे गम के बहाने निकले, फसले गुल लाई फिर एक बार असीराने वफा, अपने ही खून के दरिया में नहाने निकले, हिजर की चोट अजब संग शिकन होती है, दिल की बेफैज जमीनों से खजाने निकले, उम्र गुजरी है शबे तार में आंखें मलते, उम्र गुजरी है शबे तार में आंखें मलते, किस उफक से मेरा खुर्शीद न जाने निकले, कुए कातिल में चले जैसे शहीदों का जलूस, कुए कातिल में चले जैसे शहीदों का जलूस, ख्वाब यूं भीगती आंखों को सजाने निकले, दिल ने एक ईंट से तामीर किया ताजमहल, तूने एक बात कही लाख फसाने निकले, दश्ते तन्हाई हिजरा में खड़ा सोचता हूं, यहां कुछ पता नहीं शायद मिसिंग हो गया लफ्ज, दश्ते तन्हाई मैं हिजरा में खड़ा सोचता हूं, हाय क्या लोग मेरा साथ निभाने निकले, मैंने अमजद उसे बेवास्ता देखा ही नहीं, वो तो खुशबू में भी
आहट के बहाने निकले। इसके अलावा जनाब जद्दा में हमें परवेज ऐवान साहब सुन रहे हैं। अच्छा, फिलहाल आपका ये कुछ इंतखाब मैंने प्रोग्राम में शामिल किया है। आप भी अगर अपनी पसंद के कुछ आशार मुझ तक भेजना चाहें तो जनाब आप मुझे बजरिया व्हाट्सएप भेज सकते हैं 03069293636 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। और बाकी एक बजने वाला है और एक बजे के बाद आपसे मुलाकात भी करेंगे। सामने नी रहना ते बीबा साडा दिल मोड़ दे, जे तू अखिया दे सामने नी रहना ते बीबा साडा दिल मोड़ दे। कर बैठी सजना भरोसा तेरे प्यार ते, सजना परोसा तेरे प्यार ते। रोड़ बैठी दिल में मैं, रोड़ बैठी दिल में मैं तेरे इतबार ते, जे तू अखियां दे सामने नी रहना ते बीबा साडा दिल मोड़ दे। नित दाव छोड़ा नहीं सहना ते बीबा साडा दिल मोड़ दे, 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 जे तू अखियां दे सामने नी रहना ते बीबा साडा दिल मोड़ दे, दिल मोड़ दे, मोड़ दे, जे तू अखियां दे सामने नी रहना ते बीबा साडा दिल मोड़ दे। रहके नहीं चट लंघना, इंज दूर दूर रहके नहीं चट लंघना, असा दीद बिना नी कुछ होर मंगना, असा दीद बिना नी कुछ होर मंगना, निका जे अमनना नी कहना, ए भी निका जे अमनना नी कहना ते बीबा साडा दिल मोड़ दे। कुछ बातें
अनकही रहने दो, कुछ बातें अनकही सुन अनसुनी रहने दो, कुछ बातें अनकही रहने दो, कुछ बातें अनसुनी रहने दो, सब बातें दिल की कह दी अगर तो बाकी क्या रह जाएगा, और सब बातें उसकी सुन ली अगर तो बाकी क्या रह जाएगा। एक ओझल बेकली रहने दो, एक रंगी अनबनी दुनिया पर, एक ओझल बेकली रहने दो, एक रंगी अनबनी दुनिया पर, एक खिड़की अनखुली रहने दो, कुछ बातें अनकही रहने दो। सब 1:04 हो चले हैं। खाप करीजिए प्रोग्राम, आप सुन रहे हैं FM 100 पाकिस्तान इस्लामाबाद से, और ऐसा है कि 1 के बाद आपसे मुलाकात हुआ करती है। 111 111 100 हमारा टेलीफोन नंबर, और सिटी कोड जो है वो है 051। यानी अगर आप अपने सेलफोन से कॉल कर रहे हैं या रावलपिंडी इस्लामाबाद के हदूद से बाहर हैं, किसी दूसरे शहर से कॉल कर रहे हैं, तो रावलपिंडी इस्लामाबाद का जो सिटी कोड है जो कि 051 है वो भी मिलाइएगा, यानी 051 111 111 100। कोई भी इंतखाब आप सुनाना चाहें, अपने किसी भी मनपसंद शायर का कलाम, उनकी कोई भी नज्म, गजल या शार, तो जनाब आप कॉल कर सकते हैं, और मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आप लोग आएंगे हमारे सुनने वालों के लिए कुछ खूबसूरत सा, कुछ मयारी सा इंतखाब जो है वो लेकर आएंगे। प्रोग्राम आप सुन रहे हैं जनाब ख्वाब तरीजे, FM 100 पाकिस्तान में इस्लामाबाद से, और ये प्रोग्राम आप मेरे साथ सुना करते हैं, मुझे कहते हैं सलमान। हर पीर और बुध की शब ठीक रात 12 से लेकर 3 तक मेरा और आपका साथ रहा करता है, आज भी 3 तक का साथ है।
उसकी आवाज की नर्म रोशनी। उसकी आवाज की नर्म रोशनी जब समाज के शीशों पे आके पड़ी, रंग बेरंग कलियों से मिलने लगे, उसकी आवाज की नर्म रोशनी जब समाज के शीशों पे आके पड़ी, रंग बेरंग कलियों से मिलने लगे, बांच बंजर सुखन की हर एक शाख पर फूल खिलने लगे, रेशमी शाल ओढ़े हुए एक बदन, जीना जीना बदन में उतरने लगा, धीरे धीरे वो बढ़ते हुए दो कदम सबसी रोशनी जिनके बोसी की ख्वाहिश में मछली हुई, वो मुकद्दस गिलाफी दो आंखें जिन्हें वक्त देखे तो अपने कदम रोक ले, वो तकद्दुस मुआबी दुलब के जिन्हें फूल बढ़के अकीदत से खुद छूम ले, जब किसी बात पर मुस्कुराते हुए वो अचानक खुले शाख फूलों की बरसात करने लगी, जब किसी बात पर वो मुस्कुराते हुए वो अचानक खुले शाख फूलों की बरसात करने लगी, और जब उन मुअत्तर लबों से जरा लफ्ज झड़ने लगे, सहर करने लगे, उसकी आवाज की नर्म रोशनी जब समाज के शीशों पे आके पड़ी, रंग बेरंग कलियों से मिलने लगे, और बांज बंजर सुखन की हर एक शाख पर फूल खिलने लगे, नशीलिए मन मोड़िए तू मेरी जान है, तू दिल का करार है, तू मेरी जान है, तू दिल का करार है, रब का तुझे है वास्ता, देखता हूँ तेरा रास्ता, मेरी हीरी है फकीरी है नी सोनी है, खुशबू नशीलिए मन मोड़िए, पायाई प्यार वाला जालनी, जिथे जावा तेरी याद जांदी नालनी,
तेरा रोग मैं अवल्ला ले आवालनी शाम पैंदिए दिवे देना वालनी मेरी हीरिए फकीरिए नी सोनिए खुशबू नशीलिए मन मोड़िए आशियाना है सूनी जमीन और आसमां है खोया खोया रहता है ये पागल दिल इश्क तेरा मार गया है सास हो शायद जब ही खामोश रहते हो बहुत हसास हो शायद जब ही खामोश रहते हो बहुत प्यास हो शायद जब ही खामोश रहते हो किसी की याद में गुमसुम तसव्वुर में ख्यालों में किसी के पास हो शायद जब भी खामोश रहते हो समुंदर के किनारों की या फैले रेगजारों की पुरानी प्यास हो शायद जब भी खामोश रहते हो यकीन पुख्ता नहीं रखते
मोहब्बत के हवालों से। यकीन पुख्ता नहीं रखते मोहब्बत के हवालों से, करीने क्यास हो शायद। जबी खामोश रहते हो, तुम्हारे साथ लग के गम बहुत खुशबाश रहते हैं, गमों को रास हो शायद। जब ही खामोश रहते हो, अगर तुम आम से होते तो घुल जाते जमाने में, अगर तुम आम से होते तो घुल जाते जमाने में। बहुत ही खास हो शायद। जब ही खामोश रहते हो, और जनाब 1:26 हो चले हैं, आप तरीजे प्रोग्राम आप सुन रहे हैं FM 100 पाकिस्तान इस्लामाबाद से।
जी जनाब, तो आप दरीचे प्रोग्राम आप सुन रहे हैं FM 100 पाकिस्तान इस्लामाबाद से 111 111 100 हमारा टेलीफोन नंबर सिटी कोड 051। कोई इंतखाब अगर आप सुनाना चाहें तो जनाब आप कॉल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, अब्दुल वहीद बोल रहा हूँ इस्लाम। जनाब अब्दुल वहीद साहब, क्या हाल है आपका? ठीक है? आपके लिए दुआ करता हूँ। आज बड़े अरसे के बाद बात हो रही है आपसे, खैरियत? शायद आपको मेरी एक बात याद हो कि मुझे नींद बहुत आती। हाँ, वो तो आपने बताया था। आप यकीन करें कि मैं अब इसी इंतजार में था कि आपसे कार मिल जाए फिर सो जाऊं। हालांकि मैं रात 8 बजे का सो रहा हूँ, आप ये वाह 5 घंटे ये नींद पूरी की, 5 घंटे और करूंगा। चले जी, माशाल्लाह, अच्छी बात, अच्छी बात। नींद का मैं बहुत रशी हूँ। और आप ठीक ठाक? अल्लाह का शुक्र है जनाब, मैं ठीक हूँ। अच्छा, वो आपके प्रोग्राम में एक अब्दुल अजीज न्याजी साहब आते थे। हाँ जी जी। वो बीमार हैं बेचारे आज का। ओहो, उनको हार्ट अटैक हो गया था। ओहो, तो मैंने कहा वो, हालांकि वो आपके प्रोग्राम को मिस नहीं करते थे। जी 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 जी, बिल्कुल, वो बड़े रेगुलर आया करते थे। अल्लाह पाक उन्हें शिफा दे। तो उनके लिए भी आप दुआ करें कि अल्लाह ताला उनको सेहत कामला अता फरमाए। आमीन आमीन आमीन। तो मेरे पास जनाब आज एक कलाम है सलीम फौज का। जरूर। जाने उस शख्स को ये कैसा हुनर आता है, जाने उस शख्स को ये कैसा हुनर आता है, रात होती है तो आंखों में उतर आता है। वाह। उसकी चाहत का तो अंदाज जुदा है सबसे, मिसल खुशबू वो मेरी रूह में दर आता है। वाह। तुम तो कांटों ही से घबरा के पलट जाते हो, इश्क तो आग के दरिया से गुजर आता है। क्या कहना। वाह। तुमने क्या सोच के ये पेड़ हरे काट दिए, फूल के बाद तो शाखों पे समर आता है। वाह। क्यों बुझे दिल को हवा देते हो ऐ चारा गरो, राख उड़ती है तो हर जख्म भर आता है। वाह। पूछते क्या हो मेरा हाल मसीहा की तरह, मेरा दुख तो मेरे चेहरे पे नजर आता है। अब तो वहशत सी हुआ करती है तन्हाई से, अब तो घर के दरो दीवार से डर आता है। एक तेरा ध्यान सफर में रुकने नहीं देता, यूं तो हर गांव पे रस्ते में शजर आता है। फौज आवाज किसे दूं के वफा की राह पर, अपना साया भी बहुत दूर नजर आता है। क्या कहना। और इसके साथ मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो जनाब सिलसिला चल निकला है आपसे आपका इंतखाब सुनने का, तो अगर आप भी कुछ सुनाना चाहें आप कॉल कर सकते हैं 111 111 100 हमारा टेलीफोन नंबर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी फरहत बात कर रही हूँ। जी फरहत, कैसी हैं आप? ठीक हैं? जी शुक्र है, आप ठीक हैं? हाँ जी अल्लाह का शुक्र है, मैं ठीक हूँ। आज तो सिर्फ मैं सुनने का मूड था, आज सिर्फ शायरी आपकी सुन रही हूँ मैं जी, और बहुत मजा आ रहा है सुनने का। तो कुछ सुनाएंगी आप क्या? नहीं अभी मूड नहीं, अभी सिर्फ सुनने का दिल कर रहा था। अच्छा चलें,
ठीक है, आपके लिए बहुत सारी दुआएं, बहुत सारी दुआएं, बहुत शुक्रिया आपका, खुश रहें जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। मुझे लगा था कयास है ये, फकत है वहमो गुमान मेरा, मुझे लगा था कयास है ये, फकत है वहमो गुमान मेरा, बदलते मौसम के साथ जैसे बदल रहा हो ध्यान तेरा, मुझे लगा था कयास है ये, फकत है वहमो गुमान मेरा, बदलते मौसम के साथ जैसे बदल रहा हो ध्यान तेरा, कि कुछ दिनों से ये लग रहा है, कि कुछ दिनों से ये लग रहा है कि तेरी नींदों में रज्जगों में हसीन ख्वाबों के सिलसिलों में तेरी दलीलों में मंतकों में वो तेरी चाहत के जाब्तों में कदीम उल्फत के फलसफों में तवील सोचों के दायरों में मैं कुछ दिनों से कहीं नहीं हूं, मुझे लगा था कयास है ये, फकत है वहमो गुमान मेरा, बदलते मौसम के साथ जैसे बदल रहा हो ध्यान तेरा, कि कुछ दिनों से ये लग रहा है कि तेरी नींदों में रज्जगों में हसीन ख्वाबों के सिलसिलों में तेरी दलीलों में मंतकों में वो तेरी चाहत के साब्तों में कदीम उल्फत के फलसफों में तवील सोचों के दायरों में मैं कुछ दिनों से कहीं नहीं हूं, सुदिल रुबाई में खास यकता बदन के पर्दों को चाक करता, अगरचे लहजा वही है तेरा मगर नदारत वो सर खुशी है जो मेरे मन की उजाड़ गलियों में सरमदी से दिए जलाती, फलक से तारों को खींच लाती, अगरचे लहजा वही है तेरा मगर नदारत वो ताजगी है जो दश्ते जा में बनफशी रंगों के कुछ अनोखे से गुल खिलाती चली ही जाती, मेरे बदन की तमाम शाखों पे गुनगुनाता ये नील गूंसा अजीब दुख है, मैं कुछ दिनों से उदासियों की दबीज तह में बड़ी सराबी सी आहटों से उलझ रहा हूं, मैं कुछ दिनों से दयारे उल्फत के ताकचों में फिरोजा ख्वाबों के नीले सदमे की आहोजारी से डर रहा हूं, मैं सर्द लहजे के मौसमों का अजाब सहता ठिठर रहा हूं, अजीब रुत है हरीम हस्ती में जर्दियां सी खिला रही है, अजीब रुत है कि आ गई के निगार खाने में बदगुमानी सजा रही है,
अजीब रुत है। कैद के वादे समूम जैसे बरंगे मौजे कहर गई है, अजीब चुप सी ठहर गई है। तुझे खबर है, तुझे खबर है जो कोई लहजा बदल रहा हो, किसी के दिल से निकल रहा हो, तो ऐसा लगता है कोई संग दिल किसी भी दुखती हुई सी रग को पकड़ के जैसे मसल रहा हो, कुचल रहा हो। अजीब दुख है। अजीब दुख है, अजीब रुत है। इंतजार ही कम है,
तो जनाब 1111 1100 हमारा टेलीफोन नंबर है, सिटी कोड जो है 051। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सलमान सर, अंत सीमा स्पेन से, कैसे मिजाज हैं? अल्लाह के शुक्र है अनस, मैं ठीक हूँ। आप सुनाएं कैसे हैं? ठीक हैं आप? अल्लाह का बहुत करम है, माशाल्लाह सब ठीक ठाक है, बहुत अच्छी। और दुआगो हैं अब्दुल अजीज नियाज़ी साहब के लिए भी, अल्लाह उनको जल्दी से सेहत दें और प्रोग्राम में शामिल हों। आमीन आमीन आमीन। उनको भी बहुत दिनों से याद कर रहे थे, अभी सुना तो दुख हो रहा है, अल्लाह जल्दी से उनको सेहत दे। बिल्कुल, बहुत हमारे रेगुलर कॉलर रहे हैं, बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह। सही, बस अल्लाह करम करे सब पैसा भी सलामत में है। आमीन आमीन। और आप मियां महमूद आमिर जनाब की, अल्लाह का बहुत। अरे अरे, वैसे ही आपका हाल पूछा था, आप तो भाग गए। मजाक कर रहा हूँ, लाइन ड्रॉप हुई है, दोबारा कॉल कीजिए, इंशाल्लाह आपसे बात होगी और आपका इंतखाब सुनेंगे। 1111 1100 हमारा टेलीफोन नंबर, सिटी कोड 051। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो कहाँ भाग गए थे आप? भाग नहीं गया, वो कट गया, वो पहले कोई बात था ना। जी जी, शुरू से फोन में शुरू से आपकी आवाज पीछे था, कभी कभी हो जाता था पहले भी, इससे पहले के दोबारा हो जाए। आप सुना देता हूँ आपको। जी जी बिल्कुल। मियां महमूद आमिर फरमाते हैं, ये जबीन चौखटे दरबार नहीं छू सकती। हाँ, ये जबीन चौखटे दरबार नहीं छू सकती, मेरे साथ से कभी दस्तार नहीं छू सकती। कतल करना तो बहुत दूर की बातें हैं मुझे। कतल करना तो बहुत दूर की बातें हैं मुझे, गर्द तक भी मेरी सरकार नहीं छू सकती। हर किसी शख्स को होता नहीं हासिल ये शरफ। हर किसी शख्स को होता नहीं हासिल ये शरफ, दिल को हर शख्स की रफ्तार नहीं छू सकती। जी, जंग का फैसला होता नहीं जब तक आमिर। जंग का फैसला होता नहीं जब तक आमिर, नियाम तब तक मेरी तलवार नहीं छू सकती। सही, जंग का फैसला होता नहीं जब तक आमिर, नियाम तब तक मेरी तलवार नहीं छू सकती। उसी नकवी साहब की बस्ती थी, उनका जिक्र हो रहा था तो कुछ इशारों के भी। जरूर जरूर, क्यों नहीं। वास्ता हुसन से या शिद्दत जज्बात से क्या। हाँ हाँ। वास्ता हुसन से या शिद्दत जज्बात से क्या, इश्क को तेरे कबीले या तेरी जात से क्या। मेरी मसरूफ तबीयत भी कहाँ रोक सकी। चलें कोई बात नहीं। हो जाता है ऐसा भी कभी कभी। तो जनाब 1:50 आप तरीके प्रोग्राम आप सुन रहे हैं FM 100 पाकिस्तान इस्लामाबाद से। तुम जानो या न जानो, हम जाने हैं सभी, चेहरे से दिल की बातें पहचाने हैं सभी। तुम जानो या न जानो, हम जाने हैं सभी, चेहरे से दिल की बातें पहचाने हैं सभी। तोरी बत्तियां जागो रतियां, रंग रसिया थारी याद माँ कटे। तुम बोलो लब तो खोलो, हम मानेंगे तभी, चेहरे से दिल की बातें पहचाने हैं सभी। ना
जाने की बात से दिल घबराता है अभी, होके तिहाड़े चोली छिपा के नैन माने खुल गए बेचारे, करा मिन्नता माया वे मैं तेरिया हाथ जोड़ा सुनर सा तू मेरिया किसी शाम आ मेरे महर मां, सभी राज़े हस्ती बयां करूं। किसी शाम आ मेरे महर मां, सभी राज़े हस्ती बयां करूं। मेरी रूह का वो जो गर्भ है तेरी रूह पे मैं आयां करूं। मेरे खाना है दिल की वहशतें तेरे दिल पे सारी नेहा करूं। कभी खुद को तस्बीह सा फेर दूं, कभी तुझको विरद सबा करूं। किसी शाम आ मेरे महर मां, मैं खुद को तुझ में फना करूं। सब 1111111100 हमारा टेलीफोन नंबर है, सिटी कोड जो है वो 051। अस्सलाम वालेकुम,
अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जनाब कौन सा बात कर रहे हैं? जी शाहिद मसूद बात कर रहा हूँ। जी शाहिद साहब कैसे हैं आप? ठीक हैं? अभी जी अल्लाह पाक का बड़ा एहसान, आप कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र है, ठीक हूँ मैं। मैं पिछले कमोबेश शायद ढाई घंटे से आपको सुन रहा हूँ और बड़ा लुत्फ ले रहा था। बहुत शुक्रिया आपका जनाब। कहाँ से कॉल कर रहे हैं आप? मैं मैनचेस्टर यूके से कॉल कर रहा हूँ। अच्छा आप दियारे गैर में हैं और प्रोग्राम सुन रहे हैं तो सही, ठीक है, अच्छी बात है जी। तो वतन की कुछ याद आ रही है? ड्राइव कर रहा था और जी अल्हम्दुलिल्लाह वतन की याद इतनी इसलिए नहीं आती कि वतन हर वक्त यादों में रहता है, तो बंदा जिसको भूले उसे याद करता है ना। ये बात तो आपकी सही है, वतन तो जहाँ आके तो और ज्यादा वतन की कदर भी होती है और वतन से मोहब्बत का एहसास भी होता है। सही। शायरी से कुछ शगफ रखते हैं? जी शायरी पढ़ने से है शगफ, शायरी करता तो नहीं हूँ मैं। तो मतलब तो कुछ सुनाएंगे? अच्छा कलाम जी जरूर जरूर। अभी मौसम नकवी साहब की बात हो रही थी तो उनकी एक गजल है। जरूर इरशाद। जनाब मौजूद हैं आप? हेलो। मेरा ख्याल है लाइन ड्रॉप हो गई आज, पता नहीं शायद कुछ गड़बड़ ना हो, क्योंकि अभी अनस की भी कॉल आई थी स्पेन से तो दो दफा वो भी ड्रॉप हुई है। अभी मैनचेस्टर से शायद बात कर रहे थे तो आई डोंट नो। चलें शाहिद साहब अगर आप सुन रहे हैं और दोबारा कॉल करेंगे तो आपसे जरूर सुनेंगे, आपका इंतखाब। चलिए जनाब एक मोहसिन नकवी की नज्म आपकी समातों की नजर करता चलूं। खूबसूरत सी उनकी नज्म है और इस नज्म का उन्वान है ख्वाब, यानी अपनी इस नज्म में वो अपने ख्वाब का जिक्र कर रहे हैं, बता रहे हैं कि मैंने कैसे कैसे ख्वाब देखे हैं। कहते हैं कि तू मेरी जुस्तजू के जंगल में, तू मेरी जुस्तजू के जंगल में महवे तकरीबे आबला पाई, तू मेरे जुस्तजू के जंगल में महवे तकरीब आबला पाई, ओढ़कर खालो खत पे तन्हाई, अपनी आंखों में दो पहर घोले, उंगलियों पर लपेट के लम्हे ढलती छाओं में काकुले खोले, सुर्ख आंचल में बांधकर खुशबू, बंद हाथों में शाम की मेहंदी, गर्म सांसों में हांफते घुंघरू, नर्म होंठों पर रुत की रानाई, हम रहे मौजाए शनासाई, घर से बे आसरा निकल आई,
तू मेरी जुस्तजू के जंगल में महवे तकरीबे आबला पाई ओढ़कर खालो खद पे तन्हाई अपनी आंखों में दोपहर खोले उंगलियों पर लपेट के लम्हे ढलती छाओं में काकुलें खोले सुर्ख आंचल में बांधकर खुशबू बंद हाथों में शाम की मेहंदी गर्म सांसों में हाफते घुंघरू नर्म होंठों पर रुत की रान आई हम रहे मौजाए शनासाई घर से भी आसरा निकल आई तूने शाखों से छीन कर चुगनू पत्ते पत्ते पे ख्वाहिशें काढ़ी छील कर छाल सब्ज पेड़ों की अपने अशकों की रोशनाई से चौबे शफाफ पर बसत हसरत मुद्दतों मेरा नाम लिखा है हिजर के वे कनार सहरा में तेरे होठों की प्यास ने अक्सर मेरी खातिर शराब देखे हैं मैंने ऐसे भी ख्वाब देखे हैं ये हमने देखा था ख्वाब प्यारे नदी किनारे ये हमने देखा था ख्वाब प्यारे नदी किनारे जमीन पे उतरे थे दो सितारे जमीन पे उतरे सोच के ये हमने देखा था बेकनार सहरा में नदी किनारे धूल उड़ाता है याद का मौसम ये हमने देखा था ख्वाब प्यारे नदी किनारे सोच के बेकनार सहरा में धूल उड़ाता है याद का मौसम अपनी बेसरफा आंख ऐसे में जिंदगी के वरक उलटती है जैसे बारिश में भीगती चिड़िया घोंसले की तरफ पलटती है सोच के बेकनार सहरा में ना जाने गुजरे हैं कितने सावन इस आरज़ू जाने गुजरे हैं कितने सावन इस आरज़ू में कभी तो कोई हमें पुकारे नदी किनारे कभी तो कोई हमें गुर्ब की रुत जमीन पे उतरे थे दो हरा भरा मौसम जमीन पे उतरे थे दो सितारे वसल की आंच किनारे धूप जाड़े की हमने देखा था ख्वाब प्यारे नदी ऐसे मौसम में तुझसे मिलने की दिल में दम तोड़ती हुई ख्वाहिश जैसे जुगनू उदास रातों में शाख तर शाख
जिस तरह भटके, जर्द पत्ता खिसा के हाथों में, अभी इधर से गुजर के देखो तो याद आए, कभी इधर से गुजर के देखो तो याद आए, वो कॉल अपने वचन तुम्हारे नदी के नारे, वो कॉल अपने वचन तुम्हारे नदी के नारे, जमीन पे उतरे थे दो सितारे, जमीन पे उतरे थे दो सितारे नदी के नारे, ये हमने देखा था ख्वाब प्यारे नदी के नारे, ये हमने देखा था ख्वाब प्यारे नदी। गए मौसम के किसी लम्हे में तूने इस तरह पुकारा था मुझे, गए मौसम के किसी लम्हे में तूने इस तरह पुकारा था मुझे, जैसे मध्यम का बहुत मीठा सुर रूह का कोई सिरा छू जाए, जैसे शबनम का अकेला मोती आरे से भर के हिना छू जाए, जैसे एक मौजे हवा की सूरत रात की रानी से कुछ रात कहे, जैसे बचपन की सहेली कोई शोख लहजे में तेरी बात कहे, देर तक ख्वाब के आलम में रही, देर तक ख्वाब के आलम में तेरी आवाज के एक गूंज बनी, जिसके साथ रूह अनदेखे जजीरों में सफर करती रही, कभी सिमटी कभी बिखरी कभी मदहोश हुई, चांद में दश्त में शबनम में समुंदर में रही, मील में रेशमी दुनिया में रही, गए मौसम के किसी लम्हे में, गए मौसम के किसी लम्हे में तूने इस तरह पुकारा था मुझे, जैसे मध्यम का बहुत मीठा सुर रूह का कोई सिरा छू जाए, मेरा नाम ही आए, मेरा नाम मेरा नाम ही आए, मेरा नाम ही आए, आए तो सही, आए तो सही, बरसरे इल्जाम भी आए,
रास्ता है, दिलगीर है मुझे हैरान लपस्ता है, दिलगीर है मुझे खुशबू की जुबानी, खुशबू की जुबानी तेरा पैगाम भी आए ऊँटों पे कभी भूखे मेरा मेरा नाम ही आए। राह बदलने का खिला हम सफरों से, हम सफरों से जिस रह पे चले, जिस रह पे चले तेरे दरोबान भी आए ऊँटों पे कभी उनके मेरा नाम भी आए, मेरा नाम भी आए। हैरा है लबस्ता है, दिलगीर है गुंचे, खुशबू की जुबानी तेरा पैगाम ही आए, और तारों से सजाएंगे रहे शहरे तमन्ना, तारों से सजाएंगे रहे शहरे तमन्ना, मकदूर नहीं सुबह तो चलो शाम ही आए, होठों पे कभी उनके मेरा नाम ही आए। सब आदा जाफरी का कलाम आप सुन रहे थे फैसल लतीफ की आवाज में, और प्रोग्राम आप सुन रहे हैं ख्वाब दरीचे FM 100 पाकिस्तान इस्लामाबाद से।
محسن نقوی کا ذکر جب چلا ہے تو کیونکہ 15 جنوری ان کی تاریخ وفات کا دن ہے جو کہ ابھی 2 روز قبل گزری, اسی سلسلے کی مناسبت سے کچھ کلام ان کا میں پروگرام میں شامل کر رہا ہوں. ایک نظم آپ کی سماعتوں کی نظر کروں محسن نقوی کی, کمال شاعر تھے, خیر کیا ہی کہنا. کہتے ہیں کہ میری سوچ کے ٹھہرے پانی میں تیرے نین کول جب ہنستے ہیں, میری سوچ کے ٹھہرے پانی میں تیرے نین کول جب ہنستے ہیں, میرے دھیان کے اجلے آنگن میں جب صبح ستارے چنتی ہے, جب شام کوئی سر بنتی ہے, جب اندیشوں کی باہوں میں تیرے سانس کا ریشم گھلتا ہے, جب ہرے کچور خیالوں میں تیرے جذبوں کا زر کھلتا ہے, میں سوچتا ہوں ان رستوں میں ہم کتنی دیر کے بعد ملے, ہم کتنی دیر کے بعد ملے, جب کتنے موسم بیت گئے. میری سوچ کے ٹھہرے پانی میں تیرے نین کول جب ہنستے ہیں, میرے دھیان کے اچھلے آنگن میں جب صبح ستارے چنتی ہے, جب شام کوئی سر بنتی ہے, جب اندیشوں کی باہوں میں تیرے سانس کا ریشم گھلتا ہے, جب ہرے کچور خیالوں میں تیرے جذبوں کا زر گھلتا ہے, میں سوچتا ہوں ان رستوں میں ہم کتنی دیر کے بعد ملے, جب کتنے موسم بیت گئے. اس کرب کٹھور مسافت میں, اس کرب کٹھور مسافت میں دل صدیوں چکنا چور ہوا, اس ہجر کے تپتے صحرا میں کیا غزلیں تھیں جو راکھ ہوئیں, کیا نیندیں تھیں جو خاک ہوئیں, ہم کتنی دیر کے بعد ملے, ہم کتنی دیر کے بعد ملے, کب اتنی دیر کے بعد ملے, یہ دیر بھی کیا جب آنکھوں کے سب آنسو اب مر جان ہوئے, سب آبلے پھوٹ کے ٹوٹ گئے, سب زخم ہوئے یاقوت صفت, یہ اجر ہے ہجر کے موسم کا, خود قرب کی رت گل پاش ہوئی, تیرے نین کمل خود بول پڑے. تیرے نین کمل خود بول پڑے,
तेरे साथ सुरों के सरगम का सब सोना मेरे नाम हुआ। अब तेरे कुर्ब में सोचता हूं, यह सदियों बाद का बहलावा एक ख्वाब सरिश्त आजाब सराब न हो। अब तेरे कुर्ब में सोचता हूं, ये सदियों बाद का बहलावा एक ख्वाब सरिश्त सराब न हो। ये रूप सवाल न हो जाए, ये राहत कर्ब अंजाम न हो, ये राहत कर्ब अंजाम न हो। तेरे साथ सुरों के सरगम का सब रूप खजाना सब सोना एक ख्वाब सरिश्त सराब न हो। जब शाम ढले यूं सोचता हूं, मैं सोचता हूं, मेरी सोच के ठहरे पानी में तेरे नैन कमल जब हंसते हैं, मैं सोचता हूं। लकीरों के घनेरे जाल में किस्मत नहीं मिलती, बहुत ढूंढा तो तब जाकर तुम्हें पाया, तुम्हें पाया तो अब दिल को ये अंदेशा सताता है, करेंगे क्या अगर जाना, हमें तुमने भुला डाला। कभी कहा न किसी से तेरे फसाने को, न जाने कैसे खबर हो गई जमाने को। कभी कहा न किसी से तेरे फसाने को, न जाने कैसे खबर हो गई जमाने को। कभी कहा न किसी से, दुआ बहार की मांगी तो इतने फूल खिले, दुआ बहार की मांगी तो इतने फूल खिले, कहीं जगह न रही मेरे आशियाने को। न जाने कैसे खबर हो गई जमाने को। कभी कहा न किसी से, किसी से।
उम्र जरा भी नहीं तुमको खौफ रुसवाई, कमर जरा भी नहीं तुमको खौफ रुसवाई, चले हो चांदनी शब में उन्हें मनाने को, न जाने कैसे खबर हो गई जमाने को, कभी कहा न किसी से तेरे फसाने को, न जाने कैसे खबर हो गई जमाने को, कभी कहा न किसी से। तो साहब फिर यूं हुआ कि 2:30 खदरीचे प्रोग्राम आप सुन रहे हैं FM 100 पाकिस्तान इस्लामाबाद से। साहब बाज़ औकात शब के पिछले पहर एक बेआबो गया सहरा में जब अंधेरा अपने तमाम तर वहमों के साथ एक खौफ बन के जगहों पे हमें सरायत करने लगता है और मुसाफिर को कोई रिश्ता नहीं मिलता, तो एक नन्ना सा जुगनू भी एक आफताब की मानिंद महसूस होता है। एक छोटा सा नन्ना सा जुगनू, आज जब हवा की बाहों में महवे इस्तराहत चाहतों की सुनहरी धूप से कसमसाती हुई शाम नदी के सरसराते पानियों से उभरने वाली मौसीकी की लय पर गुनगुनाती हुई रात की तारीकी में चुपके से जब खोने लगी, तो फिर यूं हुआ कि कुछ ही देर के बाद आसमान पर राहतों भरी चांदनी ने अपनी रिदा फैला दी। सितारों ने आसमान की मांग कहकशां से भर दी। हवा के नर्म खू झोंके पाकीजा महक से मुअत्तर यहां से वहां वहां से यहां खैरामा खैरामा टहलने लगे। चुपसादे अश्चार के जर्दी माइल पत्ते एक दूसरे से सरगोशियां करने लगे। आसमान के माथे पे चमकते चांद ने झील के पुरसकून पानी में अपना अक्स देखा, तो शर्मा के बादल की ओट में छुप गया। सब ऐसा दिल फरेब समा, ऐसा सारंगेज मंजर, ऐसी खूबसूरत शब्द कि जिसके हुस्न को बयान करना शायद इंसान के बस की बात नहीं। शब के मुसाफरों की शान इसीलिए निराली होती है और उनका सफर इसीलिए अनोखा और मंजिल सबसे मुख्तलिफ होती है कि
चान चांदनी सितारे सहरा जुगनू सभी कुछ तो उनके हम सफर और उनकी दस्तरस में होते हैं। रात फैली है तेरे सुरमई आंचल की तरह, चांद निकला है तुझे ढूंढने पागल की तरह।
चांद निकला है तुझे ढूंढने पागल की तरह, साहब मोहसिन नकवी की एक और नज्म आपकी समातों की नजर। मैंने इस दौर से चाहा तुझे अक्सर जाना, मैंने इस दौर से चाहा तुझे अक्सर जाना, जैसे महताब को बेअंत समुंदर चाहे, जैसे सूरज की किरण सीप के दिल में उतरे, जैसे खुशबू को हवा रंग से हटकर चाहे, जैसे पत्थर के कलेजे से किरण फूटती है, जैसे गुंचे खिले मौसम से हिना मांगते हैं, जैसे ख्वाबों में ख्यालों की गमा टूटती है, जैसे बारिश की दुआ नाबला पा मांगते हैं, मेरा हर ख्वाब मेरे सच की गवाही देगा, वुसअते दीद ने तुझसे तेरी ख्वाहिश की है, मेरी सोचों में कभी देख सरापा अपना, मैंने दुनिया से अलग तेरी परस्तिश की है, ख्वाहिश दीद का मौसम कभी धुंधला जो हुआ, नोच डाली है जमानों की नकाबे मैंने, तेरी पलकों पे उतरती हुई सुबहों के लिए तोड़ डाली है सितारों की तनाबे मैंने, और मैंने चाहा कि तेरे हुस्न की गुलनार फजा मेरी गजलों की कतारों से दहकती जाए, मैंने चाहा कि मेरे फन के गुलिस्तां की बहार तेरी आंखों के गुलाबों से महकती जाए, तय तो ये था कि सजाता रहे लफ्जों की कवल मेरे खामोश ख्यालों में, तकल्लुम तेरा रक्स करता रहे भरता रहे खुशबू का खुमार मेरी ख्वाहिश के जजीरों में, तबस्सुम तेरा तू मगर अजनबी माहौल की परवरदा किरण, मेरे बुझती हुई रातों को सहर कर ना सकी, तेरी सांसों में मसीह आई थी लेकिन तू भी चाराए जख्म गमे दीद आए तर कर न सकी, तुझको एहसास ही कब है कि किसी दर्द का ताग आंख से दिल में उतर जाए तो क्या होता है, तू किसी माँ तबीयत है तुझे क्या मालूम, मौसम हिजर ठहर जाए क्या होता है, तूने उस मोड़ पे तोड़ा है ताल्लुक के जहां देख सकता नहीं कोई भी पलट कर जाना, अब ये आलम है कि आंखें चुखलेंगी अपनी याद आएगा तेरी दीद का मंजर जाना,
मुझसे मांगेगा तेरे अहदे मोहब्बत का हिसाब, तेरे हिजरां का दहकता हुआ महशर जाना। यूं मेरे दिल के बराबर तेरा गम आया है, जैसे शीशे के मुकाबले कोई पत्थर जाना। जैसे महताब को बेअंत समुंदर चाहे, मैंने इस दौर से चाहा तुझे अक्सर जाना। उसी हाथ
सब मोहसिन नकवी कहते हैं कि हवा सुबह दम उसकी आहिस्ता आहिस्ता खुलती हुई आंख से सीपियां चुनने जाए तो कहना कि हम जागते हैं। सुभेदम उसकी आहिस्ता आहिस्ता खुलती हुई आंख से ख्वाब की सीपियां चुनने जाए तो कहना कि हम जागते हैं। हवा उससे कहना कि जो हिजर की आग तपती रुतों की तनावे रगों से उलझती हुई सांस के साथ कसते उन्हें रात के सुरमई हाथ खैरात में नींद कब दे सके हैं। हवा उसके बाजू पे लिखा हुआ कोई तावीज बांधे तो कहना कि आवारगी ओढ़कर सांस लेते मुसाफिर तुझे खोजते खोजते थक गए हैं। हवा उससे कहना कि हमने तुझे खोजने की सभी ख्वाहिशों को उदासी की दीवार में चुन दिया है। हवा उससे कहना कि वहशी दरिंदों की बस्ती को जाते हुए रास्तों पर तेरे नक्शे पा देखकर हमने दिल में तेरे नाम के हर तरफ एक स्याह मातमी हाशिया बुन दिया है। हवा उससे कहना हवा कुछ न कहना हवा कुछ न कहना सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते जाते सिलसिले के आ
जा